जनपद कासगंज में दिखी दरोगा की दादागिरी। जी हां, खबर है यूपी के जनपद कासगंज के ग्राम महिवा थाना ढोलना से, जहां के निवासी जयवीर उर्फ जवाहर ने पुलिस दरोगा के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही पीड़ित ने बताया कि कैसे जबरन उसे दो दिन तक थाने में बंद करके रखा गया। इतना ही नहीं बल्कि उससे 15,000 रुपए भी ऐड किए गए। देखे कासगंज से संजय सिंह की ये रिपोर्ट। जवाहर जी, क्या कहना है आपका, क्या शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत है जी, मेरी ससुराल है बक्सीपुर में, थाना सगीट जनपद एटा, और मेरे ससुर चचिया ससुर हैं बुद्ध शहर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जयवीर जवाहर, महिवा कला थाना डोलना जनपद कासगंज। जी, क्या घटना हुई? मेरे साथ ही घटना हुई, मेरे चचिया ससुर हैं बुद्ध सैन जी, और उनने लव मैरिज की थी, लखनऊ के पास में पड़ता है सुल्तानपुर शायद, और वहाँ से लव मैरिज करने के बाद में वो किसी के साथ चली गई। 4-1 को हम गए थे यहाँ से, उन्होंने फ़ोन करके बताया हमें कि हमारी पत्नी भाग करके चली गई है, और उनकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, और पैसे मांगे उनने मेरे पास, मेरे 28,000 रुपये थे उनके पास, ले लिए, और मैंने जब उनसे वापस मांगे तो वो मुझे धमकाने लगे और पैसे आज तक वापस नहीं दिए। उनने शिकायत झूठा एक प्रार्थना पत्र थाना सगीट को दे दिया, उदयवीर सिंह को। क्या दे दिया? कि आप 6 लाख रुपये लेके गए हमारे यहाँ से। कोई 6 लाख रुपये बताते हैं, उनके गाँव के 4 लाख बता रहे हैं उनके भाई, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में दरोगा जी ऐसा ही, दरोगा जी वहाँ थाना सगीट से यहाँ पर आए, मैं गांव में था, और बुलेरो गाड़ी से अपने 2 पुलिसकर्मियों के साथ में लेकर मुझे उठा करके ले गए यहाँ से। क्या पहले से कोई सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं थी। आपको आए और उठा कर ले गए? आए और उठा कर गाड़ी में डालकर ले गए, मारपीट गिरी मेरे साथ में वाले जाके, और आपके साथ मारपीट भी की गई? जी। कहाँ, गाड़ी में की गई या वहीं सगीट ले जाकर? गाड़ी में भी मारते पीटते ले गए, और वहाँ सगीट में भी बंद रखा मुझे 2 दिन तक, वहाँ थाने में बंद रखा। उसके बाद मैंने ज़्यादा रिक्वेस्ट करी उनसे, तो उन्होंने 15,000 रुपये लेकर मुझे छोड़ा और कहा कि तू आज के बाद इनसे पैसे नहीं मांगेगा। 15,000 रुपये किससे ले लिए? मुझसे लिए पैसे। आप तो थाने में बंद थे, आपने कहाँ से दे दिए पैसे? मैंने दिए पैसे मंगाए घर से, प्रवीण से मंगवाए फ़ोन करके, और उमेश गए थे पैसे लेकर। प्रवीण और उमेश, ये कौन है? ये यहीं के मेरे पड़ोस के हैं, उनके पास मैंने फ़ोन किया, वो मेरे माँ से पैसे लेकर गए घर से। तो 15,000 रुपये लेकर आपको छोड़ा? जी। अब क्या कह रहे हैं? अब मैं प्रशासन और मांग करता हूँ कि मेरे, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड दिया जाए, अगर वो दोषी हैं दरोगा जी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जी, इसके बारे में आपने कोई उच्चाधिकारियों से, किसी से कोई शिकायत वगैरह? जी, मैंने DIG महोदय आगरा के लिए, SSP महोदय एटा कासगंज, और अलीगढ़ मंडल को भी, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबके लिए मैंने प्रार्थना पत्र प्रदर्शित किया है।